बारिश के मौसम में पकौड़े खाना किसे नहीं पसंद है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मॉनसून स्पेशल आलू चॉप, जिसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए फिर देर की स्वाद की शुरू करते हैं आलू चॉप बनाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजा वर्मा आपका स्वागत करती हूँ आइडियल किचन में। आलू चॉप बनाने के लिए हम ले रहे हैं 4 से 5 बॉयल किए हुए आलू, एक प्याज जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, अदरक, हरी मिर्च और कोरिएंडर लीव्स उसे मैंने चॉप कर लिया है, और हम लेंगे थोड़े से बेसन। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें बेसन डालेंगे, थोड़े से अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर और थोड़ा सा नमक और पानी ऐड करेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। तो बस हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम अपनी कढ़ाई को हीट कर लेते हैं और इसमें डालेंगे ऑयल। जैसे ही हमारी ऑयल हीट हो जाएगी तो इसमें हरी मिर्च, प्याज, अदरक डालेंगे और इसे भूनेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें आलू क्रश कर डालेंगे, साथ ही हम इसमें काली मिर्च पाउडर, नमक डालेंगे और इसे अच्छे से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। लास्ट में हम इसमें धनिया के पत्ते ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये रेडी हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो अब हम थोड़ा सा आलू लेंगे और इस तरह से गोल करके इसे प्रेस करके इसका पेड़ा बना लेंगे। तो अब हम इसी तरह से सारे पेड़े बना लेंगे। तो हमारे सारे पेड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। हम अपने कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और इसे हीट कर लेंगे। अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसे अपने बैटर में डीप करेंगे और डायरेक्टली कढ़ाई में डाल देंगे। इसी तरह से हम सारे पेड़े को डीप करेंगे और एक एक कर कढ़ाई में तल लेंगे। 1 मिनट बाद हम इसे टर्न करेंगे और दूसरे साइड भी इसे अच्छे से पका लेंगे। तो बस हमारा आलू चॉप रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो बस हमारा आलू चॉप रेडी है। आप इसे कोई भी सॉस या चाय के साथ खा सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।